हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का फिर से अपने ऑनलाइन चैनल एम्बिशन एकेडमी पर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नॉन वर्बल की एक और टाइप है जो रूल डिटेक्शन की। रूल इसमें क्या होता है कि रूल को डिटेक्ट करना, हमें ना एक क्वेश्चन में रूल दिया होता है, उसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शंस होते हैं उनमें से जो रूल किस पे फिट बैठता है वो हमारा आंसर रहता है और यही हमें देखना रहता है। देखते हैं क्या होता है रूल। रूल क्या रहता है, इसमें रूल गिवन रहता है, कह रहा है कि स्क्वायर गेट कन्वर्टेड टू ट्रायंगल वन बाई वन, सॉरी सेक्टर्स गेट कन्वर्टेड टू ट्रायंगल वन बाई वन। अब पहले दिमाग में ये होना चाहिए कि सेक्टर होते क्या हैं। ये वो वाला सेक्टर है जो सर्कल, जो हमने पढ़े होंगे तो सेक्टर, सर्कल को डिवाइड करने के बाद ये वाला एक सेक्टर हो जाता है। ठीक है, चार हिस्से में डिवाइड कर दिया, पाँच छः में, जो भी डिवाइड करता है, तो ये वाला क्या हो जाता है, सेक्टर। तो उस सेक्टर को उन्होंने ट्रायंगल में बदला है। ठीक है, ये वाली मतलब जो ये आर्क है ये हट के क्या हो जाएगी, ये ट्रायंगल है। तो वो बताने ऐसे रूल किस में फॉलो है। ठीक है, ये वाला अगर यहाँ देखा जाए, ये सेक्टर है, ये सेक्टर है, बिल्कुल ठीक है, और यहाँ से बदल दिया, अगले में ये भी बदल दिया, बट दिस ये क्या सेक्टर ही नहीं है। जब ये सेक्टर ही नहीं है और वैसे भी वन बाई वन मतलब एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, तो यहाँ ये रूल ख़त्म हो जाता है, इसलिए ये वाला भी क्या आपका ऑप्शन नहीं बनता है। नेक्स्ट चेक करते हैं, ये सर्कल को चार सेक्टर में डिवाइड किया हुआ है, उसके बाद इसको ट्रायंगल में बदल दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इसको भी ट्रायंगल में बना दिया गया है, अगली स्टेप में इसको भी ट्रायंगल बना दिया है, तो अगली स्टेप में ये भी ट्रायंगल बन जाएगा, तो इसलिए ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, वन बाई वन सभी सेक्टर्स को ट्रायंगल में चेंज किया गया है। यहाँ सेक्टर ही नहीं बन रहे इसलिए ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। ये सेक्टर ही नहीं बन रहे, ये सिर्फ ऐसी एक फूल की पत्तियाँ सी हैं, तो सेक्टर को ट्रायंगल में बनाया ही नहीं गया, तो ये भी आपका क्या कैंसिल हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन से आपको आइडिया आ गया होगा कि रूल डिटेक्शन जो होते हैं क्वेश्चन उनको कैसे किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चेक करते हैं क्या रूल गिवन है। कह रहा है क्लोज फिगर, जो ये क्लोज फिगर है बिकम मोर एंड मोर ओपन। ठीक है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा खोला गया, कैसे खोलते हैं। देखो, मैंने बार बार एक बात पे मैं आपको दोहराता हूँ, ध्यान दिलाता हूँ कि हम जो इमेज जैसे क्वेश्चन करते हैं जो नॉन वर्बल के होते हैं, उनमें क्या होता है कि फिगर को ना एलिमिनेट करो, ऑप्शन को एलिमिनेट करो जो नहीं हो सकता। एक बात बताइए, इसमें कोई सा भी जो ये सारे फिगर हैं कोई ओपन है, नहीं है कम्प्लीटली। अगर यहाँ से देखा जाए तो ये ओपन बीच वाले को कर भी दिया होगा, तो ऊपर वाला पोर्शन वैसे भी ओपन नहीं है। अगर हम इसमें चेक करते हैं, इसमें चेक करते हैं, तो ये जो ये वाला सर्कल है ये तो लास्ट तक ही ओपन ही नहीं होता है, तो इसको भी क्या हम रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब इस पे आते हैं, इसको वन बाई वन ओपन किया, यहाँ से पहले ये वाली लाइन को हटाया गया, फिर ये वाली हटाई गया, बाद में सबको हटा दिया, ये कम्प्लीटली ओपन वाला पोर्शन ये है, तो ये है आपका आंसर इसका। ठीक है, तो रूल डिटेक्शन में आपने ये दो क्वेश्चन देखे होंगे, इससे ना आइडिया आ गया होगा कि कैसे क्वेश्चन को किया जाता है। दो क्वेश्चन और देखेंगे, आपको बिल्कुल कम्प्लीटली रूल डिटेक्शन वाला टॉपिक है जो वो क्लियर हो जाएगा। देखिए देखिए, और दो क्वेश्चन चेक कीजिए। कह रहा है क्लोज फिगर लूजिंग देयर साइड्स एंड ओपन फिगर गेनिंग देयर साइड्स। इसमें कह रहा है जो क्लोज फिगर है वो अपनी साइड लगातार लूज कर रहा है और जो ओपन फिगर है वो गेन कर रहा है। जैसे इसमें देख रहे हैं हम, पहले ही हमने चेक किया है ये इसका, ये ए बी सी ऐसे नहीं होंगे, सॉरी ए बी सी यहाँ से ये हैं, ऐसे ही हैं ये। ठीक है, ये पूरा एक ही पार्ट है। ये जो क्लोज फिगर है बड़े वाला, यहाँ ओपन, यहाँ एक लूज किया लेकिन आगे भी नहीं किया, आगे भी नहीं किया, तो हम इसे कैसे कह देंगे कि ये कर रहा है। ठीक है, आगे ये ठीक है, अंदर वाला गेन कर रहा है लेकिन ये लूज ही नहीं किया, तो इसको हम क्या रिजेक्ट करेंगे। देखते हैं, नेक्स्ट देखिए, ये वाला यहाँ से ये ओपन है, ये क्लोज है, ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है, इसमें तो किसी को भी लूज नहीं किया, तो इसको भी हटा देते हैं। क्लियर, ठीक है, ये देखो, ये वाला क्लोज है, यहाँ एक ये ओपन किया तो ये एक बढ़ा, ये दो ओपन किए यहाँ दो बढ़ गई, एक था ना अब तीन हो गई, ये एक और ओपन किया, ये एक और क्लोज हो गई, ये इसका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला भी चेक कर लेते हैं, ये एक है, ये क्या यहाँ एक ओपन किया एक बना दिया, यहाँ दो ओपन किया लेकिन यहाँ नहीं बढ़ाया, ये वाली मिस्टेक है, इसलिए ये इसका नहीं होगा आंसर। आए समझ। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा एज द सर्कल डिक्रीज इन साइज, जो सर्कल है वो साइज में जैसे ही डिक्रीज हो रहा है, इट्स सेक्टर इंक्रीज इन नंबर। इसके अंदर अभी जो मैंने बात की सेक्टर, सेक्टर वाले ये वाला पोर्शन होता है वो क्या
इंक्रीज होते चले जाएंगे। यहाँ भी तीन है, ये को ठीक है, सर्कल का साइज तो घट गया लेकिन सेक्टर यहाँ भी तीन 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 है, तो इसको हम क्या हटा देंगे अपने साइज, ठीक है, रास्ते से ये चेक कर दें। यहाँ साइज सभी में घटता गया है, समझ लो साइज घटता गया। अगर कोई थोड़ा लग रहा होगा नहीं घट रहा, वो मेरी मिस्टेक है बनाने वाली, ठीक है। ये एक, यहाँ तीन, यहाँ एक दो तीन चार पाँच छः, यहाँ एक दो तीन चार पाँच, ठीक है। आपको क्या समझ में आया, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार, ठीक है, एक दो तीन चार। हमने क्या कहा था कि ये इंक्रीज ऑर्डर में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पाँच आ गए, इसके सेक्टर इसमें चार है, इसलिए इसको भी हटा देते हैं हम। आए समझ। नेक्स्ट देखिए, ये चार ये तीन, यहाँ ये इंक्रीज है बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ी मिस्टेक तो यही हो जाएगी कि इसके अंदर चार सेक्टर हैं लेकिन इसके अंदर कितने रहे, तीन हो गए। तो क्या हमने क्या, यहाँ तीन ये चार होते तो आगे बिल्कुल ठीक था ये, आए समझ। तो इसलिए इसको भी कर देते हैं साइड, क्लियर। नेक्स्ट चेक करते हैं, ये क्या कह रहा है, इसमें नंबर ऑफ सेक्टर कितने हैं, ये तीन है, यहाँ चार हैं, यहाँ छः हैं, और ये कितने हो जाएंगे बेटा, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, और ये आठ, आए समझ। तो यही इसका हो जाएगा राइट आंसर, क्लियर। जो रूल डिटेक्शन के ये क्वेश्चन है, इनसे आपको आइडिया आ गया होगा, आइडिया क्या समझ में भी आ गया होगा कि करना क्या रहता है। आपके आगे जब भी ये क्वेश्चन आएंगे, आप इनको डेफिनेटली 100% सॉल्व करेंगे। वीडियो हमारी जो ये समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ के साथ कमेंट भी करते रहें। दैट्स इट।